हम सभी जानते हैं कि हमारी आंखें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। इन आंखों से ही हम इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। वैसे जब हम किसी दुकान पर मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल कैमरे का मेगापिक्सल ज़रूर देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे वाला मोबाइल खरीदने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि मानव की आँख भी एक कैमरे की तरह ही काम करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन आई कितने मेगापिक्सल की होती है? अगर नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ह्यूमन आई कितने मेगापिक्सल की होती है। आपने अपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों की रेटिना पर पड़ता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब संवेदनाओं द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुँचते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हम कौन सी वस्तु देख पा रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने कैमरे का आविष्कार किया है। कैमरे की बात करें तो इसमें रेटिना की जगह लेंस काम करता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैमरे के लेंस पर बनता है। अगर मान लिया जाए कि मानव नेत्र कैमरे के समान है तो सभी के मन में एक सवाल उठता है कि हम कैमरे की क्षमता तो मेगापिक्सल में बता सकते हैं, लेकिन मनुष्य की आँख कितने मेगापिक्सल कैमरे के समान है? जब हम घर पर मोबाइल, टीवी या कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो उन सभी में एक निश्चित नंबर का मेगापिक्सल कैमरा होता है जो किसी वस्तु की छवि की क्वालिटी को दर्शाता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि एक साधारण व्यक्ति की आँखों में 24,000 × 24,000 पिक्सल होते हैं, जो 576 मेगापिक्सल के बराबर होते हैं। देखा जाए तो व्यक्ति की दोनों आंखों को मिलाकर जो चारों तरफ के दृश्य की छवि मस्तिष्क में पहुंचती है, वो कुल मिलाकर एक बड़े क्षेत्र की छवि बनाता है जो लगभग 576 मेगापिक्सल के बराबर होता है। अब आप जान ही गए होंगे कि मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है। ऐसी ही और बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।